नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना गूगल पे अकाउंट कैसे चला सकते हैं, उसमें आप अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या, आपको जाना है प्ले स्टोर पे, वहाँ लिखना है आपको सिंपली सर्च में GOOGLEPAY गूगल पे, जिसका पहले हम गूगल तेज से भी जानते थे, अब उसको गूगल नाम चेंज करके गूगल पे कर दिया। ठीक है, तो आपको लिखना है इतना, फिर सर्च कर लेना है। सर्च करते सबसे टॉप पे एक एप्लीकेशन आती है, इसको आपको कर लेना है इंस्टॉल। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैंने इसे मैं करूँगा इसे ओपन। अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सब सिंपली करना है, आपको जो फ़ोन नंबर उसमें लिंक्ड है बैंक में, वो आपने एंटर कर लेना है। यहाँ पे आता है आपका जीमेल अकाउंट कौन सा रखना है, तो मेरे पास 4-5 जीमेल अकाउंट है, तो उसमें से कोई भी एक ऐड कर लेता हूँ जिसे मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। तो मेरा ये टैग फाइल वाला जो मेरे चैनल का जीमेल है, मैं उससे ही नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है वेरिफिकेशन, नंबर वेरिफिकेशन। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आपका एक ओटीपी आएगा गूगल की तरफ से आपके फ़ोन नंबर पे, और वो ऑलरेडी एंटर होने के बाद फैच होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो लिंक्ड हो जाएगा अपने आप हो जाएगा, तो उसमें करना कुछ नहीं है आपने। ठीक है, देखिए जैसा हो चुका है यहाँ पे, तो ऑप्शन आता है क्रिएट फ़ोन स्क्रीन लॉक या फिर यूज़ गूगल पिन। गूगल के लिए आप एक अलग पिन क्रिएट करना चाहेंगे, तो मैं अलग पिन क्रिएट कर लेता हूँ गूगल के लिए, तो मैंने कर लिया है। सबसे टॉप पर ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपका नाम आ गया, यहाँ नीचे उसके नीचे आता है प्लस ऐड बैंक अकाउंट, जो प्लस का निशान बना हुआ उस पर क्लिक करने के बाद करना है अलाउ, फिर अलाउ। उसके बाद सिलेक्ट करना है यहाँ से सर्च में पेटीएम पेमेंट्स बैंक। सर्चिंग के बाद परमिशन मांगेगा, उसको अलाउ कर दे रहा है। फिर ये बाकी इसके 3 स्टेप्स होते हैं, इसके नंबर वेरिफिकेशन वगैरह, वो सब ये खुद ही कर लेता है। इसके लिए कम से कम आपके फ़ोन में रिचार्ज होना चाहिए अनलिमिटेड वाला, या फिर कम से कम 1.5 रुपया होना चाहिए ताकि उस पर मैसेज आ सके। तो लॉगिन करने से पहले 1.5 रुपया होना चाहिए अकाउंट में, या फिर रिचार्ज होना चाहिए। फिर यहाँ पर आता है एंटर यूपीआई पिन, तो मेरा यूपीआई पिन बना हुआ, तो मैं एंटर यूपीआई पिन कर देना है, वरना कार्ड डिटेल का ऑप्शन आता है, कार्ड डिटेल फिल कर देनी होती है, तो मैं यहाँ पे एंटर यूपीआई पिन कर देता हूँ। जो मेरा यूपीआई पिन है वो मैंने कर दिया है। यूपीआई पिन एंटर करने के बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा, देखिए अकाउंट ऐड हो चुका है इसमें। ठीक है, उसके बाद कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं, नीचे देख पा रहे हो आप, और भी ऑप्शंस हैं। नीचे चेक बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ से बैलेंस चेक करने के लिए जो यूपीआई पिन हमारा था उसको एंटर करना पड़ता है, फिर उसको बैलेंस दिख, नीचे बैलेंस दिख रहा होगा सबसे नीचे। फिर जाते हैं बैक, तो यहाँ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि नियर बाय पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं नीचे, स्कैन क्यूआर मतलब पेमेंट करने के लिए, और शो क्यूआर मतलब किसी से पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो हम सबसे पहले करते हैं स्कैन क्यूआर पे, तो यहाँ से बार कोड स्कैन करने का एक वो आ जाता है इंटरफेस, दूसरा है शो क्यूआर, यहाँ से हम अपना क्यूआर किसी को भेज सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, वो स्कैन करके पेमेंट कर सकता है गूगल पे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप काफ़ी सारे रिचार्ज कर सकते हो, जो न्यू लिखा हुआ है, जो रुपए का निशान बना हुआ है, न्यू पे जाके आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ से किसी की रिचार्ज कर सकते हैं, पोस्ट पेड प्रीपेड या फिर डीटीएच कहीं भी। सो ये काफ़ी सिंपल है, वैसे पेटीएम से काफ़ी सिंपल है, पेटीएम से बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप चाहे तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक से भी लॉगिन कर सकते हैं इसमें। ठीक है,